आज दशहरा है और लोग दशहरे के दिन रावण के दहन को खुशियों की तरह मनाते हैं। वहीं आज के दिन राजस्थान के जोधपुर में दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक रावण के पुतले का दहन करके मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसा समाज है जो दशहरे के दिन को शोक के रूप में मनाते हैं। दरअसल जोधपुर का श्री माली दवे गोदा परिवार अपने आप को रावण का वंशज मानता है। वो दशहरे के दिन को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन जोधपुर में रावण के मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। वहीं श्री माली गोदा ब्राह्मणों का कहना है कि रावण एक महान संगीतज्ञ विद्वान होने के साथ ही ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड पंडित भी था। ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर के मंडोर की रहने वाली थी, इसलिए रावण को जोधपुर का दामाद भी माना जाता है। जोधपुर के मिहारगढ़ किला रोड पर स्थित मंदिर में रावण और मंदोदरी की मूर्ति आमने सामने स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण भी गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मणों ने ही करवाया है। इनका मानना है कि रावण की पूजा करने से इच्छा की प्राप्ति होती है, वहीं हमें बुरी नज़र से बचाने वाले भी वही हैं। पंडित कमलेश कुमार कहते हैं कि रावण दहन के बाद स्नान करना अनिवार्य होता है। पहले जलाशय होते थे तो हम सभी वहाँ स्नान करते थे, लेकिन अब हम घरों के बाहर ही स्नान कर लेते हैं। साथ ही इस दौरान जनेऊ बदलना भी अनिवार्य होता है। इसके अलावा मंदिर में रावण और शिव की पूजा भी की जाती है। इस दौरान देवी मंदोदरी की भी आराधना साथ की जाती है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।